हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप करता हूँ सब मजे में होंगे। तो गाइस आज है 13 अगस्त और मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि सिर्फ एक दिन बचा है 15 अगस्त आने में। और आज की वाइब भी डिफरेंट है, बाकी आप देख सकते हैं चीनू भी आ चुका है। ये वैसे तो कह रहा था मैं नहीं आने वाला, लेकिन इसने इस बार फिर से मुझे प्रैंक कर दिया और ये आ गया। बाकी गाइस ज्यादा आपको घूम फिर के नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आपको हमारा काइट स्टैच दिख जाएगा, थोड़ा ग्लिम्स देख लो। बाकी इसकी पूरी प्रॉपर वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, बहुत अल्टीमेट स्टैच होने वाला है आज। हाँ, बहुत बड़ी पतंग है। तो बेसिकली गाइस आज हमारा मेन पर्पस है जाने का। सबसे पहली चीज, आज हमारे जो गिव अवे के विनर्स हैं उनको उनके प्राइजेस देने हैं। दो बंदे दिल्ली गई हैं। हाँ, ये रहा। नहीं, ये दिल्ली देखो, ये दिल्ली का सेकंड विनर और चरखी स्टैंड नीचे पड़ा हुआ है वो थर्ड विनर, तो दोनों से आज मिलेंगे। बाकी कोलकाता वाले को हम 15 के बाद डिस्पैच कर देंगे। बाकी गाइज चलते हैं और सैंडी बाइक यहाँ पे हमारा कुछ यूनिक सामान आ रखा है, वो भी आपको दिखाएंगे। चलो गाइज स्टे ट्यून्ड। तो गाइज अभी हम निकल चुके हैं घर से और सार्थक को पिक करेंगे अभी। देन हमने जो हमारा सेकंड विनर है सिमरजीत भाई उसको इन्फॉर्म कर दिया है, वो भी पहुंच रहे हैं अपनी लोकेशन पे जहां उन्हें बताया गया है। बाकी चलो गाइस सार्थक को उठाते हैं पहले, फिर मिलते हैं अपने सेकंड विनर से। हमारे ब्रांड के सीईओ आ चुके हैं काइट एजेंट के। ये आप कहाँ, आप क्या मालदीव से, यहाँ कहाँ बाली वाली से हो गया? अब आपकी पर्सनालिटी बड़ी सागर। आई एम फ्रॉम थाईलैंड, जस्ट रिटर्न, फ्लाइट जस्ट लैंडेड। मांजल आया हूँ मैं थाईलैंड से। ई रिक्शा का फ्लाइट कब से होने लग गए पीछे? ये क्या कहते हैं अपना, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से सीधा ई रिक्शा की सर्विस चालू हो गई है। अच्छा, इलेक्ट्रिक पे आई है आप लोग? चले भाई। भाई तो भाई अभी वो बंदा आ रहा है सिमर भाई, सेकंड विनर अपना। चलो देखते हैं, उसको बुलाते हैं पॉइंट पे। Meanwhile वो जो बंदा जीता उसको बोलूंगा भाई पूरे उत्तम नगर में फैला दो, डील ही डील देते जाओ पूरे उत्तम नगर टॉप पे। 12 डील है तो एक ही पतंग में पार कर देगा वो। ओके भाई, एक ही पतंग उड़ाओ और 12 डील पूरा ऐसा खाली कर दो पूरे उत्तम नगर में, एक ही पतंग पार। तो फिर वो तो सागरपुर तक पहुंच जाएगी 12 डील में। अच्छा, तो गाइज हमारे सेकंड विनर सिमर भाई और उत्तम नगर से ही है। हाँ, तो इन्होंने जीता था निंजा, आप लोगों ने गिव अवे की वीडियो देखी होगी। तो भाई के दोस्त भी आ रखे हैं दोनों। अच्छा, साथ ही उड़ाते हो क्या? हाँ भाई, हाँ भाई। अच्छा, बताओ कैसा लग रहा है? बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया, एक नंबर है। भोपाल में जाके देखा? बिल्कुल 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 भाई, आपकी अमानत। लो भाई, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू भाई। और भाई कोई टिप्स बताओ यार, बढ़िया टिप्स बस यही है भाई, अब भोपाल दे दिया तुम्हारे हाथ में, आप जो मर्जी मारो, तुम जैसे मन करे वैसे मारो। बाकी छड्डी जरूर यूज करना, छड्डी दवाई में यूज करना, पहले भी यूज कर। तो गाइस यही सिमर भाई थे सेकंड विनर, इसके बाद आपको थर्ड विनर से भी मिलवाएंगे। पहले भाई के साथ एक फोटो खिंचवा लें और बाकी आपको ये फोटो स्काई टाइम के इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखने को मिल जाएंगे, तो वहाँ पर फॉलो करते हैं। तो गाइस एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हुई है, भाई को काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे, भाई बताएगा क्या सीन था? भाई मैं जब पार्ट मतलब गिव अवे जीता ना, तो ऐसे कई बंदों के मेरे मैसेज आ रहे हैं, भाई हमने भी पार्टिसिपेट किया था पर हम जीत नहीं पाए, भाई हमारे को भी 3 रील दे दो। मैंने बोला भाई पहले मिलने तो दो मेरे को, अभी तक मिला है नहीं भाई। परसों हमने निकाला था, आज से भी भाई मैसेज आया था किसी का, भाई मैं जीत गया कि मेरे को आप 3 डील दे देना। भाई मैंने बोला भाई आने तो दे पहले, आया नहीं। दे रहे हैं पैसे, दे दूंगा 3 डील ले लो। एक कमेंट भी आया था उसमें गिव अवे वाले पोस्ट में, भाई के साथ एक फोटो खिंचवाते हैं फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट विनर की तरफ। आ जाओ भाई, आ रहे हैं चीनू यहाँ पे, रहे कहाँ खड़े हुए क्या यही आ रही? ठीक है चलो भाई, आ जाओ भाई, मजे में ये थे हमारे सेकंड विनर जिन्होंने जीता था निंजा और थर्ड डिग्री टॉर्चर 12। बाकी अब हमारे जो थर्ड विनर है वो भी दिल्ली से ही है,
तो वो अभी हमें मिलने वाले हैं रास्ते में, हमारे रूट पे ही पड़ रहा है, तो हमने सोचा कि चलो एक साथ इन दोनों को ही मिलने और उनके प्राइसेस दे दे। तो बस बाकी जो कोलकाता वाले विनर हैं उनको 10-15 के बाद हमें डिस्पैच ही करना पड़ेगा, उनसे हम पर्सनली मिल नहीं पाएंगे। बाकी चलो अब इसके बाद आपको डायरेक्ट अपने थर्ड विनर से मिलाते हैं। गाइस जो हमारा थर्ड विनर था रोहित भाई, भाई वो बंदा अभी डायरेक्ट हमें भाई सैंडी भाई के यहाँ पे मिलेगा। सैंडी भाई के यहाँ पे हमें कुछ सामान उठाना है, सामान ऑब्वियसली पतंग से रिलेटेड ही है, क्या है वो आपको वहीं जाके दिखाएंगे। बाकी 2-3 और मेरे नॉन हैं, उन लोगों ने भी कुछ सामान मंगा रखा है काइट्स वगैरह से रिलेटेड, तो कुछ काइट्स और कुछ मांचे वगैरह उठाने हैं, तो वो उठाते हैं और बाकी अपने थर्ड विनर से आपको डायरेक्ट फिर सैंडी भाई की लोकेशन पे मिल पाते हैं। ये क्या पहना हुआ सर पे तूने, क्या पहना भाई? ओए ओए भाई, एक कान साफ करवाने आपको। ओ भाई साहब, और ये पोस्टर आपने सुमित घोष सर की वीडियो में देखा होगा, वेरी नाइस। ठीक है, ये सब फॉलो कर लो यार, 1-2-3-84 से उड़ाओ। और बस बाकी हम भाग चुके, सैंडी भाई आ रहे हैं नीचे से, थर्ड विनर हमारा अभी आ रहा है, वो रस्ते में है। बाकी एक बार एक चीज़ दिखाता हूँ, लास्ट टाइम जब हम आए थे ना यहाँ मंजो के पिरामिड लगे हुए थे, लेकिन भाई साहब ख़त्म, सब उड़ गया, हमारे लिए भी कुछ नहीं बचा है, हमारे लिए बची है बस टेप अपने टूटे हुए दिल पे लगाने के लिए। और ये साथ साथ कुछ देख रहे हैं हसीन बल्ला। हाँ भाई चलो भाई, सैंडी भाई से मिलवाते हैं आपको, और बस ठीक है, मज़ा आ रहा है, पतंग लेते हैं अपनी। बेसिकली हम पतंग लेने आए हैं और एक मांझा लेने आए हैं, और देखते हैं खाली चरखी चीनी के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ एरिया में तो मिली नहीं। कौन सी लेगा भाई चरखी? जैसी तेरी है इस टाइप की। हाँ चलो देखते हैं, कुछ मिला तो ठीक, नहीं तो कोई नहीं। तो गाइस देखो डब्बा खाली है, अगर हम इसमें ये पर्ची डालेंगे तो बरेली लाइन निकलेगा। ये पर्ची डाल दी से ज्यादा हो चुका है। ये रहे हमारे थर्ड विनर रोहित भाई। यस और भाई हमने किया था सूरज। अच्छा यही था भाई। चलो भाई उनके बड़ी दूर टाइम स्टोरी लेट हो गई। अरे कोई दिक्कत नहीं, तो भाई लोग पहले पीतमपुरा मिलने वाले थे, बट फिर थोड़ा प्लान में प्रॉब्लम की वजह से नहीं आ पाए। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये लो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। और अब उड़ाओ, ईंट की कोई जरूरत नहीं अब। ठीक है, बाकी कस्टमाइज पूरा एक बार दिखा दो ऑडियंस। ये कस्टमाइज में मल्टीपल होल्स करा रखे हमने, ताकि आपको यहाँ नीचे भी रख के उड़ा पाओ इजीली। भाई कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू सो मच भाई। और सारे बंदे ना ऐसे भाई, भी कैमरा से आज चालू होता है ना, तो बंदे एक्सप्रेस नहीं करवाते ज़्यादा। चलो कोई बात नहीं, हमें तो हमारा तो काम ही यही है। भाई को आदत हो गई। हमें आदत हो गई है। चलो भाई थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू मुस्तफा भाई। मेरी लाइन तो ले आए थे, ड्रैगन लाइन तो चलो बढ़िया, इसमें ही बांध रहा हूँ उसको। सारी पतंगे आपको काइट कैश में देखने को मिलेंगी, अगर सब अभी रिवील कर देंगे तो फिर हमारा कंटेंट मर जाएगा, फिर आप दोबारा थोड़ी आओगे देखने। बाकी ये तावे हैं इधर और यही सब है, ये आपको वहाँ पे दिखाएंगे। और जो मांझा हम लेने वाले थे एक तो ये रहा। हाँ बस ठीक है, बाकी वो मांझे वाली वीडियो में देखना। ये देख सकते हो ये सारी ले ली है, और ये सैंडी भाई के फोन बजे जा रहे हैं। ये देखो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है हमारा मीटर भी बढ़ता जा रहा है। मालिक पैसे दे दोगे ना काइट एजम? नहीं है भाई, काइट एजम थोड़ा जो प्रॉफिट हुआ है वो दे देना भाई, नहीं सब नहीं दिखाना। अच्छा ये देने अभी? हाँ हाँ दे दो दे दो, सब दे दो, कमी नहीं होनी चाहिए 15 को थोड़ी आएंगे रोहिणी लेने फिर से। गाइस कमेंट करके बताओ कितनी होंगी, ये अंदाजा लगाओ। गाइस बहुत मोटी शॉपिंग हो गई है, रेट नहीं बताऊंगा लेकिन बहुत ज्यादा हो गई है। ये देखो हमारे सीईओ साल से हम रेट नहीं बता करेंगे, हम सिर्फ गुंडागर्दी में बेचेंगे। हाँ, और ये हमारे सीईओ साहब बड़े परेशान विचलित हो गए जब इनको बिल पेमेंट करने की बारी आई। भाई भाई का बल्ब भी ऐसे ही जगमग जगमग करने लग गया बिल सुनने के बाद। भाई ने पालम का नाला भेज दिया है पूरा। हाँ नहीं उस पर तो वैन 48 बन गया है।
चलो गाइस इनको पैक करते हैं और लेके चलते हैं। देखो गाइस फुल हैवी सिस्टम हो गया, यहीं से पार कर देते हैं पतंगे। देखो ये देखो गाइस पतंगे उड़ने लग गई हैं और अभी से मेरा एड्रेनलिन रस हो गया भाई, और मैं अभी थोड़ी देर में उड़ाना शुरू कर दूंगा, हाथ लगा दूंगा पूरा थारा भाई उसको देखो भाई इतनी एक्साइटमेंट। देखो भाई पतंग, देखो ये पतंग पूरी दिल्ली में नहीं मिलने वाली आपको भाई। हैं 15 अगस्त के लिए लिए हैं ये, आज नहीं उड़ानी, उड़ा के डंडे पे मारेंगे। तो ये देखो तावे ले लिए हैं और अभी हम जा रहे हैं स्पेशल डोर लेने। गाइस गिव अवे आ रहा है एक साल भर की मेंबरशिप ले ली है वो बहुत ज्यादा ले लिए। देखो जो छज्जे में टक गए हैं ये देखो तो क्या गाड़ी फुल हो गई है। ये चीनू इन द हाउस इन द सार्थक इन द हाउस, चलो चले चले और क्या, चलो 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 भाई हमारा एक तो उल्टा चल रहा है। चलो चले भाई लोकेशन, बिल्कुल भाई गाइस लोग हम नई लोकेशन पे जा रहे हैं। जैसे हम जा रहे हैं महावीर जी के यहाँ पे, वो एक काइट मेकर है दिल्ली के एंड ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ सैंडी भाई। तो उन्होंने हमें सजेस्ट किया हमें एक स्पेशल डोर लेनी है उनसे, प्लस कुछ पतंगे भी हैं तो आपको उनसे मिलवाते हैं, बाकी देखते हैं उनसे मिलकर क्या सीन है। मैं तो फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ गाइस, कुछ मैटर हो गया अब और ज्यादा एक्साइटमेंट हो गई है, कुछ भाई लड़ाई हो रही है भाई, इकट्ठे हो गए भाई, क्या चक्कर है भाई, हाँ तो गाड़ी धो रहे हैं भीड़ क्यों है भाई, इंजन ऑयल की जगह शरबत डाल दिया चलो गाइस आई एम सुपर 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 एक्साइटेड जस्ट बिकॉज हम जो चीज ढूंढ रहे थे वो हमें फाइनली मिल गई। ऐसा मेकर का मांझा मिला है ना, ऐसा मेकर भाई आपने सुना भी मतलब बहुत कम लोगों ने सुना होगा, लेकिन डोर देख लोगे ना भाई पागल हो जाओगे, इतनी भयंकर डोर है। और हम एक किसी शौकीन से लाए हैं, सैंडी भाई के रेफरेंस था, बाकी आपको उनका नाम और उनका सब कुछ डिटेल हम बताएंगे आगे चल के। उन्होंने हमें पतंगे भी गिफ्ट करी है, दो चार और प्रीमियम पतंगे सार्थक दिखाई हुई पर कहाँ रखी है, हाँ ये घर जाके दिखाएंगे आपको, बहुत प्रीमियम पतंगे गाइस, बहुत ज्यादा प्रीमियम। और चलते हैं, ये उड़ाने वाली पतंगे तो है नहीं, इनका हमारे कलेक्शन में सजाएंगे हम। और आज हम जिस काम से निकले थे वो सारे काम हमारे खत्म हो चुके हैं, पैसे बहुत लग गए लेकिन भाई मजा पूरा पूरा रहा। पीछे हमारे सीईओ साहब बैठे हैं, मालिक साहब, वही पैसे देने को तैयार हैं ये देखो अंधा पैसा इनके पास, इनके इनकी सोने की पतंगों में हीरो का मांझा, हीरो के मांझे में सोने की पतंगे लगाते हैं अभी भी। चलो गाइस वीडियो को लंबा ना करते हुए हम सीधा चलते हैं अपने घर पे, अगर मौका मिला तो पतंग भी उड़ाएंगे, पहले थोड़ी सी पेट पूजा कर लें, सुबह से बिना खाए निकले हुए हैं। चलो गाइस स्टे ट्यून्ड, हिल स्टेशन आ गए गाइस, अरावली हिल्स अरावली आ गए भाई, देख रहा कितना सिमेट्रिक है ये पहाड़। तो ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने काम शुरू किया है, सरकार की तरफ से ये जो निकल के आया है, हाँ ये जो सरकार की तरफ से जो आया है टूरिज्म, इसके ऊपर से पतंग उड़ाने का मेरा ड्रीम है। आ चुके हैं और ये देखो भाई आते ही जो पतंग लाए हैं भाई आते ही पार हो गई। ये देखो ये रही पतंग है, कुछ सैंपल लाए हैं टेस्टिंग के लिए और घर भी नहीं गए हैं, बाकी ये वाला एक मांझा अभी दिखाऊंगा नहीं कौन सा है। और ये रहा हमारे साथ, यस आ गया वापस से, ये देखो एक बॉल खेल रहा है, पतंग उड़ाया कर भाई, क्या रखा है इसमें बॉल में तो गाइस ये देखो भाई, ये देखो नए मांझे से पतंग पार, अब टेस्टिंग करते हैं चलो। तो भाई हमेशा की तरह मेरे से पतंग छीन ली गई है ये देखो भाई, टेस्टिंग चल रही है नए मांझे की और बोलो वो भाई जन लगने वाले करंट मार रही है डोर सार्थक, लगा दे नया मांझा आया, और नया मांझा क्यों आया है कैसे आया वो मैं आपको बताता हूँ। और हमने ये सैंडी भाई का पुच्छल उड़ा दिया है, लग गया पेज घुंघरू तोड़ दिया बो बो। अच्छा एक और बात तो सुन, अरे सुन तो सही, ये सैंडी भाई की पतंग नहीं पीछे से कट के आई थी कल, वो है धोखा खा गए यार, क्वालिटी में तो अभी फर्क है, सोचो वजन क्यों नहीं आ रहा पतंग में भाई। पेज लग चुका है दोस्तों, ये रहा ये वाली अपनी है, हमारी
अबे भाई उलझ रहा है ना, ये कह रहा था एंटी भी, ये कह रहा था एंटी, ये देख भाई मेरे को पता था ना कटने वाली है। तो गाइस आज हम काइट फाइटिंग का व्लॉग नहीं कर रहे, तो जैसा आपको एक थोड़ा सा क्लिप्स दिखा रहे हैं, आज हम सिर्फ एंजॉय करेंगे और बस, और इसके बाद ये आपने पूरे दिन तो देख ही लिया, आज हम एंजॉय करेंगे, कल से हम वीडियो बनाना चालू करेंगे। चलो गाइस बाय, कुछ अगर इंटरेस्टिंग दिखा तो आपको दिखा देंगे। भाई संडे के हिसाब से बहुत पतंग उड़ रही है, बहुत ज्यादा भाई, कैच पड़ा था कैच। और ये कोई नया मांझा आया है देखो टेस्टिंग के लिए, सैंडी भाई ने करवाया रेंज लास्ट टाइम पे, और पता कितना दूर गया, अपने ब्लॉग में देखा ही होगा। चलो इसके बारे में तो आपको डिटेल दे देंगे, थोड़ी सी मोटी डोर है वो वाली पतंग दिखाते हैं। हाँ ये देखो, तो गाइस ये 9 कॉर्ड मांझा है। एक मिनट भाई, ये देखो सिस्टम भाई। हाँ उदित, चौरासी सौ से थोड़ा मजबूत है, बट इसको सिर्फ बड़ी पतंगों के लिए यूज करना, मेरे पास बड़ी पतंग थी तो मैं यूज कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है। इसको देखा क्या कर रहा, ये थोड़ी गलत पतंगबाजी हो रही है। ये काटी आई है, चाइना उड़ा रहा है। कैसा लग रहा है ये नए नए स्टंट करके? 15 अगस्त पे आती है मेरी स्किल्स ना, अपने आप जाग जाती है। तो गाइस देखो, उस जिसकी पतंग काटी पीछे से उड़ा रहा है, उसका देखो मांझा गिरा है यहाँ पे, उसने खींचा भी नहीं, सब चाइना मांझा। देखो ये देखो, इसमें देखो ना बल पड़ रहे हैं सारे, और ये देखो तोड़ के दिखाते हैं। बो बो, एक और काट दी भाई, वो देखो भाई छूटी ले रहे हैं, ये देखो ये भैया कहां गए, वो देखो ओए ओए अपने सब्सक्राइबर आ गए हैं, ठीक है। और बाकी ये चाइना मांझा उड़ा रहे, इसको हम साइड फेंकते हैं, सकते हैं। बाकी चलो आज ज्यादा पेज वेज नहीं दिखाएं, आज अब हमारा वो देखो हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं 13 अगस्त को, बाकी कल कल का दिन है यार, 15 अगस्त परसों आ गया, बस बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। सारे तक की टीशर्ट देखो पीछे, जिसमें बच्चों की पलटन बनवा रखी है भाई। कन्ना टूट गया यहाँ पे पतंग का, ये देखो भाई कहाँ गई भाई, ये पुच्छल पतंगों ने समा बांध दिया है, और भाई बरेली ड्रैगन लायन पार कर रहे हैं, और ऐसा लायन आपने कभी नहीं देखा होगा, इसका हम स्टैश में दिखा देंगे, डिटेल अभी ज्यादा देके फायदा नहीं है। चीनू पतंग पार कर रहा है, और भाई साहब देखो, और ये पुच्छल इतनी बढ़िया पतंग है ना, क्या वजन बना रही है भाई, स्वाद आ गए बहुत पतंग। वो देखो कट की जा रही है, नहीं नहीं उड़ रही, अरे हवा पकड़ेगी देखो अभी, ये अभी पकड़ेगी हवा भाई, कोई बहुत टॉप टॉप पे पतंगे उड़ रही है। चलो पेज दिखाएंगे इसके बाद, सार तक भाई एडवांस में करने मानते हुए, और ये अभी चाइना से आए स्पेशल पतंग की ट्रेनिंग लेके, कोरिया ओ सॉरी 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 उसको देखो आ गया यही आ गया क्या मामा घर पे, यही तो कह रहा था आने की, भाई खतरनाक बंदे भाई सारे। तो गाइस ये प्रॉपर घुटाई वाले तावे आप देख सकते हो, ये नॉर्मल जो मार्केट में मिल रहे हैं ना, ये वो सब नहीं है, ये जफर नियाजी के तावे हैं, और ये फुल देखो इनके कमान थड्डों पे बिल्कुल काम हो रखा है, ऐसे आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे देखने को, बहुत कम। ये अभी सैंडी भाई से कुछ सैंपल लेकर आया था मैं, जिन लोगों को फाइटर काइट्स उड़ाने का शौक होता है ना, फिर वो तावे उड़ाते हैं उनको मजा नहीं आता, क्योंकि वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, और इसको उड़ाने के लिए भी दो अच्छी महंगी वो अच्छी पांडा वाली, बस ये डोरा तभी यूज़ करो, थोड़ी मोटी होती है 6 कोड की, तभी यूज़ करो जब आपको ऐसी पतंग उड़ानी है, अदरवाइज इनका कोई फायदा नहीं। और ये धार वाली डोर नहीं लाया मैं अभी भी, जस्ट इसका ये वजन झेल ले और कुछ नहीं। ओ भाई ये है ना पतंग, तो ओ भाई दो दिन गाइस, ये पतंगे ना 30 साल की नहीं होती, ये थपकियों की होती है, और ये देखो बड़ी पतंगे इतनी स्टेबल उड़ती नहीं है, ये देखो इसको मूवमेंट देखो, पतंगा यहाँ जाओगे भाई घूमेगी, ये देखो, और ये सिर्फ उड़ेगी आपकी ये 8400, अगर आप छोटे गन्ने बांधोगे तो 8400 की झेल लेगा, बाकी ये 6 कॉर्ड है,
ये मतलब इसको आप पांडा कह सकते हो वर्धमान का, और ये ज़्यादा मतलब मजबूत होता है उससे, तो आप इनको सिर्फ तभी उड़ाओ। ये देखो प्रेफर नहीं करता मैं, ये सिर्फ आपको तभी उड़ाने जब आप बड़ी पतंग उड़ा रहे हो। ये इसने हमको मना किया था, देख रहे हो फुटप्रिंट, देख रहे हो तो गाइस यहाँ पे हम रहने वाले हैं, 14 को हमारा स्टे है, जस्ट बिकॉज अब हम उस छत पे जाएंगे तो पतंग उड़ानी पाएंगे दिन की सबसे पहली बात, बस ये करता है। तो हमने ना ये खरीदी है, ये देखो लोड करो। अब इसका फंक्शन ये है कि इसको मारना है हमें इंडोनेशिया से आइए, और ये देखो रुक के जाएगा और लूट के लिया ये लंगड़ का काम है। अभी नहीं चलाऊंगा, इसकी रिव्यूज आती है बहुत महंगी पड़ती हैं, तो कोई 30 वाला कुत्ता रख के जाएगा ना उसमें पीले प्ले बटन पिला के हमने सिल्वर का झुमर बना दिया है, और इसमें थोड़ा सा गाने और लाइटें लगा दी जो ऊपर ट्यूबलाइट खराब पड़ी थी उसकी लाइट इसके अंदर, बस ये दिखाई नहीं चला। भी तो आता है इसमें बोतलें रखी हुई है, हाँ ये नीचे आएगा बाहर के उसमें से बोतलें निकलेंगी। चीनों के लिए पीछे ड्रेसेस ले रहे हैं हम, अभी 15 अगस्त में पहनेगा ये भाई, ये पहन लेता हूँ। तो गाइस ये कपड़ा ले लिया, इसका कुछ बनाएंगे बहुत इंटरेस्टिंग, अभी बताएंगे थोड़ी देर में आपको क्या बनाने वाले हैं भाई, बहुत ही भोकाल चीज, चलो अभी दिखाते हैं डायरेक्ट। तो गाइस कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज होने वाली है, अभी देखना है मशीन से कुछ निकल के आएगा, थोड़ा सा देर दे दो, गर्म हो रही है मशीन।